तिरंगा भाई का धन्यवाद। हमारे सांसद, हमारे नेता हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी साथियों से बीजेपी वाले भी खट्टर सरकार से चिपके
दुखी हो गए, चार नींद नहीं बन गई, निकुल इनके साथ आए हुए राजस्थान से हमारे भावी सांसद भाई राहुल कुशवा जी, विधायक भाई बलवान सिंह पूनिया जी, यहाँ से दादरी से विधायक भाई सोमवीर जी, और भाई यहाँ से पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर जी, और आज हम जिस भाई के लहनों भाई के अंदर दोनों के आए हैं भाई राजवीर फटिया जी, मैं सभी मज्जा सिंह भाई लाल सिंह में सम्मानित मंच, सर्वप्रथम तो मैं आपका छत्तीस बिरादरी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतनी चिलचिलाती धूप और इतने पसीने में भीग करके भी आज के सभा के अंदर कामयाबी दी है। आपका ये बहाया हुआ पसीना 4 तारीख को रंग दिखाएगा। ये मेरा सौभाग्य है कि शीर्ष नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद और भाई दीपेंद्र जी के प्रयास से मुझे आपके बीच भिवानी महेंद्रगढ़ का प्रत्याशी बना करके भेजा है। मैं जानता हूं आपको, क्योंकि आप मेरे से उस रिश्ते नाते से जुड़े हुए रहे हैं, जाकर किसान सूखी धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करना जानता है, पसीने से सींच करके भूखे का पेट भरना जानता है, उस धरा से, उस जमीन से, उस लुहारू जैसी धरा से जिन्होंने मुगलों का सामना किया था, उन बहादुर भाई और बहनों से आज मिलने का मौका मिला। सम्मानित दोस्तों और बुजुर्गों, आपने चुनाव अनेक देखे लेकिन ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा जहां अलग अलग मुद्दे देखे, कभी गरीबी हटाओ का, कहीं शाइनिंग इंडिया का, कहीं राइजिंग इंडिया का, और कहीं राष्ट्रभक्ति के नाम पे पुलवामा जैसे इवेंट का। लेकिन आज जो राजनीति है वो किन मुद्दों पर है, इस बारे में आप सुनेंगे तो आपके दिल के अंदर निश्चित तौर पे चिंतन और मंथन की जरूरत पड़ेगी। आज मुद्दा है संविधान बचाओ, आज मुद्दा है लोकतंत्र बचाओ, आज मुद्दा है रोजगार दिलाओ, आज मुद्दा है महंगाई घटाओ, और आज मुद्दा है अग्निवीर जैसी योजना को भगाओ। अगर इन मुद्दों को लेकर के आपके बीच जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जगह नहीं मिलेगी। वो नारे लगाते हैं अब की बात 400 पार, मैं बताना चाहता हूं आपको 400 पार का जुमला वैसा ही है जैसा पिछले विधानसभा में 75 पार का है, लेकिन भाजपा के लोगों का दिमाग हमेशा सातवें आसमान पे रहता है। हम उनको चैलेंज करते हैं, मत कर इतना गुमान है हुक्मरा, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, आज का सूर्य भी अस्त होने जा रहा है, आने वाली 4 जून को आपके निश्चित तौर पर बढ़ा। इन्होंने कोई फर्क जूता नहीं छोड़ा, इन्होंने कोई क्षेत्र जूता नहीं छोड़ा जो पीड़ित और नाराज ना हो। आज किस बात पे आपसे वोट की अपील करते हैं, याद करो उन किसान भाइयों को जिन्होंने 13 महीने तक आंदोलन के अंदर सड़कों के ऊपर गर्मी सर्दी बरसात और बर्फीले माहौल के अंदर देश की राजधानी के अंदर टिके रहे। उनको रोकने के लिए उन्होंने रोड के ऊपर कुछ से डाल दीवारें खड़ी कर दी। आज मैं आपसे कहता हूँ, उन्होंने आपको दिल्ली जाने से रोका था, आज आपका मौका, आप उनको दिल्ली आने से रोक दीजिए, तब जाकर के ये बात बन पाएगी। सम्मानित दोस्तों, आज चारों तरफ से हाहाकार और चित्कार है, किसान अपनी बदहाली पर रो रहा है, जवान अपनी बेकारी पर रो रहा है, हमारी माँ और बहनें अपने सार्वजनिक जीवन के अंदर उनके साथ जो दुर्व्यवहार और जिस तरह की घटना घट रही है उन पर आंसू बहा रही है। न ये कहा जवान के हैं, न किसान के हैं, न पहलवान के हैं, न संविधान के हैं, चारों तरफ से हाहाकार मच रही है। तो मैं तो यही कहूंगा, कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अरे अब तो बदल जाओ लोगो, अब तो कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं, उनके पास अभी कुछ नहीं है कहने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहूंगा, भाई दीपेंद्र जी ने, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पिछले 10 साल के अंदर दिनों रात परिश्रम करके इस हरियाणा के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जहाँ लोग मानते नहीं थे, संगठन की भी पूरी तरह से हमारी संपूर्ति नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद दिन रात भाई दीपेंद्र जी हम देखते हैं इस कोने से उस कोने में,
और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहीं तो समय विपक्ष आपके समक्ष और कहीं जन सम्मेलन के माध्यम से आपको जगाते और जागते रहे। आज वक्त है उनका, आप इधर विधायक बनाएंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उधर हरियाणा की सरकार आपको बना करके देंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है हमारे भाई दीपेंद्र जी और उनके साथ टीम के जितने भी साथी हैं दिन और रात इसी तरह से लगे हुए हैं। मेरे भाई राजस्थान से आए हुए दो दो भाई, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरा एक बहुत लंबा जुड़ाव राजस्थान से रहा है और मैं कहूं कि राजनीतिक सोच और राजनीतिक जगह अगर किसी ने दी तो मुझे राजस्थान के लोगों ने दी है। मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ इनके दिए हुए और इनके किए हुए काम के लिए कभी मैं काम आ पाऊंगा तो मेरा सौभाग्य होगा। दोस्तों भाई दीपेंद्र जी को और बहुत जगह जाना है, मैं एक अपील के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे चूक हुई तो ये कभी पछतावा मिटेगा नहीं। इतिहास कहता है जिन्होंने लम्हों की गलती की है उन्होंने सदियों में भोगा है, आप वो गलती नहीं करेंगे। हाथ का निशान है और हाथ के साथ में ऊपर में एक नंबर में आपका बटन है, मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अगर कोई एक एक भाई इस बात को मानेगा। इन शब्दों के साथ पुनः आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए, सारे भाइयों का धन्यवाद करते हुए, जो राजवीर सिंह भाटिया और जो जोगवीर सिंह जी और हमारे सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। भिवाड़ी से और काफी लोग हमारे साथी आए, मैं सबका आपकी तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ साथियों आपका कि आप लोगों ने इतनी गर्मी में इतना जबरदस्त उत्साह काट से काट पड़ी हुई है, कुर्सियों का कोई मतलब नहीं, टी लोग 40 फुट की छोड़ते हैं लेकिन ये टी एक फुट की भी नहीं बची। साथियों का आपका सम्मान करता हूँ, आप लोगों ने मेरे को हमेशा सम्मान दिया है, इतना सम्मान मैं अपनी जिंदगी में आपका साथ नहीं उतार पाऊंगा। इतनी संख्या में पहुंच करके और आप लोगों ने जो सम्मान दिया मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। साथियों आप लोगों के बीच में आज आने का मकसद आप सभी लोग जानते हो, होने वाले जो लोकसभा के जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय हुड्डा साहब जी के प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, आपके अपने प्रत्याशी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आने वाली जो 25 तारीख है आपका अपना भाई है वो भाई जान सिंह जी को एक एक वोट दे करके और नौ विधानसभा में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एमपी साहब अभी गाड़ी में जिक्र कर रहे थे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरी जनता ये बैठी हुई है, मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप विश्वास दिलाओगे तो मैं विश्वास दिलाऊंगा। आप लोग एक बार एमपी साहब को विश्वास दिला दो कि सबसे ज्यादा वोटों से हल्का लोहारू से जिताने का काम करेंगे, ये विश्वास होता है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, जिसने विश्वास जीत लिया यानी जग जीत लिया। इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग यहाँ पर आए और हमारे सांसद जी को हमारे भाई दीपेंद्र जी को बताना चाहता हूँ, मेरा एक शोर थी कि हल्का लुहारू में मैं कभी बाहर महल में तो ये जनता नहीं दौड़ेगी, बाहर कोई 100 किले लेकर के और पूरे हल्का लुहारू के जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं वहां पर बुला करके भाई का सम्मान करूंगा, लेकिन ये एक दिन पहले संदेश आया था कि एक छोटी जनसभा करने और वो जनसभा आपने महान रैली कर दी।